नमस्ते जी, मैं निशा गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पोस्टिफाई। वेज मंचूरियन तो सबने खाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। तो चलिए शुरू करते हैं। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लें। कढ़ाई में एक गिलास पानी डालें। पानी में 400 ग्राम गोभी के छोटे छोटे पीसेस और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे बॉईल करें। अब इसे 8-10 मिनट के लिए ढककर रख दें। तो अब टाइम हो चुका है, ढक्कन हटाएं। देखिए गोभी हमारी बॉईल हो चुकी है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह बॉईल नहीं करना है, सिर्फ आधा ही बॉईल करना है। गोभी को पानी से निकाल लें। अब एक बाउल लें और उसमें बॉइल्ड गोभी डालें। अब बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिक्स करें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। उसके लिए एक कढ़ाई लें और कुकिंग ऑयल डालें। ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें कोटिंग की हुई गोभी डालें। गोभी को फ्राई करें। तो गोभी फ्राई हो गई है, इसे बाहर निकाल लें। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट स्टेप पर। उसके लिए एक कढ़ाई लें और उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 7-8 चौक लहसुन, 1 चौक स्प्रिंग ऑनियन की लीव्स, 1/2 डाइस कटा हुआ अनियन, 1/2 लंबी कटी हुई शिमला मिर्च और 2 चौक हरी मिर्च डालें। इसे 3-4 मिनट तक के लिए स्टिर करें। सॉसेस में सबसे पहले 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 3 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच विनेगर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। मसालों में इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच मैगी मसाला डालकर मिक्स करें। अब 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लें और उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें। इस मिक्सचर को अब कढ़ाई में डालकर मिक्स करें। और जरूरत के अनुसार पानी भी डालें। तो अब हमारी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हमारी फ्राई की हुई गोभी डालकर अच्छे से मिलाएं। और ये लीजिए, हमारा गोभी मंचूरियन तैयार है। इसे गरम गरम सर्व करें और एंजॉय करें। वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।